अरे इधर आओ अली बाबा चाले चोर जमाने के आदमी। क्या देख के नहीं चल सकते तुम? सॉरी सॉरी मैडम, माय पर्सनल टोपोलॉजी। एपोलॉजी? अब हाँ, अब टोपोलॉजी। जी 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 बोलो। लटकू? नो नो नो, एपोलॉजी। ओ या या, यस यस। आई देयर यू हेयर नो सी, एक्सीडेंट हुई गया, परमानेंट हुई गया, रब्बा रब्बा, अंडरस्टैंड। लेट्स गो, व्हाट यू वांट टू से? यू वांट टू से ही डोंट वांट टॉक विद यू। यस 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 यस। ओके देन, लेट्स गो। हाँ हाँ, या या। व्हाट अ सनी डे। अरे दैया रे दैया, बिट्टू भैया, फिरंगी हंसी तो समझो भैया, तुम्हारी गिरस्ती बसी। क्या आपको फिरंग से प्यार हो गया है? और का, बिल्कुल फिल्मी सीन, हम ऊपर वही नीचे। एक मिनट, क्या क्या, कौन ऊपर कौन नीचे? बहुत यार तुम डिस्टर्ब करते हो, जहाँ बता रहे हैं वहाँ सुनो। हम ऊपर वही नीचे, वही हमका देखे पड़ी, हम उनका देखेम लगे, उनका एक हाथ में मेरा हाथ ऐसे, दूसरा हमारा हाथ ऐसे, अबे उंगली उनकी इतनी नरम जैसे 5 दिन पुराना केला। फिर वो एकदम से हमारी तरफ देख के बोली, मिश्रा जी थैंक यू। अनु, उठाने के लिए थैंक यू बोल दिए? अबे नहीं, ढीले गिराने के लिए थैंक यू बोली। फिर क्या बोली? फिर वो अंग्रेजी में बहुत देर तक बोलती रही, मतलब जितना बोल रही थी बहुत मीठा बोल रही थी, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा था। बस बिट्टू को केवल इतना समझ में आया भाई जी मिश्रा कि बिट्टू को उनसे प्यार हो गया। प्यार हो गया? किसको किसको? दोनों लोगों का। 50% कंफर्म। 50% हमारी तरफ से। अब बाकी का दामोदर उनके ऊपर 50% का डिपेंड है। कोई और भी है क्या? दारोमदार कह रहे हैं, दारोमदार। अच्छा, दारोमदार। ए मिर्जा, कहीं कर्नल की पोती तो नहीं है? हम हाँ मियाँ, लखनऊ में हजारों फिरंग आते हैं लखनऊ देखने। तो रुकिए, हम पूछते हैं। वैसे बिट्टू मियाँ, उस फिरंग का नाम क्या था? अबे बिल्कुल टोपाओ का। उस समय हम अपना नाम भाई जी भूल गए, केवल हम उसके चेहरे के जादू में खो गए भाई जी मिश्रा। क्या है मिश्रा मिश्रा? बिट्टू मियाँ एक बात बताइए, आप पैदाइशी ऐसे हैं या फिर कोई हादसा हुआ था उसके बाद ऐसे हो? नहीं, हम पैदाइशी ऐसे। वन कप कॉफी, स्मॉल शुगर। स्मॉल शुगर मतलब थोड़ी कम शक्कर की, वे कच्चा नौ फेल। क्या बात है बिट्टू भैया, आज बड़ी अंग्रेजी बोली जा रही है। यस, आज से ओनली इंग्लिश स्पीकिंग, कहे कि लंदन में केवल अंग्रेजी बोली जाती।
तो मियां वहां तो बोली जाती है, लेकिन आप अभी क्यों बोल रहे हैं? अरे अबे हमारे पूरे चांस बन रहे हैं भैया लंदन जाने के। लंदन? और का तुमको पता नहीं चलेगा कुछ? चलो हम ही बताए दे रहे हैं, इस समय हमारा और सैलेंड्रा का लव बिल्कुल लैला मजनू के प्यार का पिछाड़े है, बिल्कुल सातवें आसमान में है भाई जी मिश्रा। सातवें आसमान पे है आपका इश्क? देखिए मियां, ये मत भूलिए ये भाई अंग्रेज है जिन्होंने हम पे और हमारे इस देश पे 200 सालों तक राज किया, और आप उसी अंग्रेज के साथ निकाह करने की सोच रहे हैं? छी! अबे हम क्या वहाँ सिंघाड़ा खेती करने की सोच रहे हैं क्या? शादी करने के बाद हम भी उनसे बदला लेने की सोच रहे हैं। बदला? बदला? और का हुई हमारे अंदाज करें, हम उनके अंदाज करब। बस एक बार शादी हो जाने दे, और जैसे हम पहुँचेंगे ना लंदन, वहाँ घर जमाई के बनने के बाद कुछ दिन बाद बब्बो जिज्जी सिब्बो जिज्जी जीजा फूफा को बुला के वहाँ से जिला पंचायती का प्रधानिक चुनाव लड़ा दे, पूरी सरकार कैप्चर। ये है अपना प्लान। और अगर इसका उल्टा हो गया तो? उल्टा हो गया? हाँ, यही कि वो सैंद्रा ने आपको वहाँ ले जाके हमेशा हमेशा के लिए आपको साइलेंट कर दिया तो? और अगर तुम्हारा सैलेड बना दिया तो? हाँ भाई, हम तो बउआ हैं, हमारा सैलेड बना दो, हमारा भरता बना दो, हमका कढ़ैया में डाल के छौंक दो। लौंडे है ना अनिल कपूर भाई साहब की नायक देखे हो, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद कहाँ से घुसे और कहाँ से निकले पूरी दुनिया देखी सराय। यही तैयारी अपनी भी, एक बार बस घुस भर जान दो, फिर उसके बाद देखना मिस्टर बिट्टू कपूर का जलवा। इसीलिए ओनली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग टॉकिंग। स्पीकिंग इंग्लिश? क्या बात है बिट्टू भैया, 15 मिनट से आपकी बात सुन रहे हैं। आपने शुरू में एक शब्द इंग्लिश और आखिरी में एक शब्द इंग्लिश बोला, बाकी सब हिंदी और अवधि का जोड़ गरोड़ कुछ करते रहे। ऐसा है बे बीबीसी, तुम अब हमको मिलो। कहाँ भैया? 10-15 दिन बाद मिलो। ऐसा है अभी तो हम अंग्रेजी को सीरियसली ले ही नहीं रहे, 10-15 दिन में ऐसे भन बना के नील गाय की तरह दौड़ेगी हमारी अंग्रेजी कि बड़े बड़े अंग्रेज ना पकड़ पाई है वही का। माय नेम इज सैंड्रा, सैंड्रा तेरे हाथ ना आनी। माय नेम इज सैंड्रा, सैंड्रा मिर्जा यहाँ आओ यार, यहाँ बैठो। क्या हुआ मियाँ? मिर्जा कुछ कहना चाह रहे थे। कह दीजिए ना, कहने का कौन सा टैक्स लगता है? कह नहीं पा रहे यार। ठीक, एक मिनट सुन तो लो, बोलेंगे यार। ये तिरंगी है तो ब्यूटीफुल कि बिट्टू क्या, कोई भी अपना दिल हार जाए यार। हाँ मियाँ, है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। काश काश हम इससे टकराए होते, काश हम टकराए होते। हम ही से टकरा गई होती।
दुकान संभालो। पहले खुद को संभालिए। अरे बोलो आ गए, आगे बोलो आगे। चलिए सब लोग अपने अपने किरदार को कसकर पकड़ लीजिए, किरदार नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? हाँ। चलो तैयारी। मनिंदर सिक्का पूरी तरीके से पिच में घुस चुका है, पिच बहुत ज्यादा गीली है, मुझे लगता है गेंद बहुत स्विंग करेगी। हाँ अरुण, मुझे लगता है कि अगर आज सलामी बल्लेबाज ने गेंद को छू लिया तो यही उनके लिए बहुत है। मनिंदर मेरा मानना है कि अगर बल्लेबाज गेंद की लाइन पे आके बल्लेबाजी करे तो मेरा सिक्का मुझे जरूर मिल जाएगा। अरुण सवाल ये है कि क्या सलामी बल्लेबाज उस गेंद को छू पाएंगे? बिल्कुल मनिंदर, अगर गेंद के टप्पे के कारण मुझे मेरा सिक्का मिल जाए तो गेंदबाज जरूर हमारे दिल को छू जाएगा। आइए 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 आइए, आप आराम से कमेंट्री बॉक्स में बैठ के मैच देखिए, आपकी वजह से मैच नहीं शुरू हो पा रहा। बैठिए आराम से बैठिए, ले जाइए। मगर मेरा सिक्का, खेलो सिक्का। यहाँ से कमेंट्री की सारी जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पर होगी। तुम कंधे पे ले। इंजेक्शन दिया है आफ्टर इंजेक्शन टचिंग एंड स्लीपिंग मैन, सो आई। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पता नहीं कौन आदमी ऐसे घूर रहा है। अरे इससे बचाओ भाई, ये तो हवस का पुजारी लग रहा है, इसकी आंखें हमें हवस जैसी। कोई बात नहीं, अपने पूरे होश हवस में है। हवस हवस में है, रुकी रुकी कुछ नहीं कर रही है। ब्रूनो ब्रूनो, हुँ? कुछ स्टे काम काम काम, गुड बॉय गुड बॉय, गो 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 गो, गुड बॉय गो। What's wrong with him? Darling पूछ रही है कि Excuse me? Sorry madam. Madam पूछ रही है कि क्या हो गया इनको? पता नहीं क्या हो गया, जब से यहाँ पे आए हैं तब से ऐसे ही सबको घूरते रहते हैं। हमने तमाम तरीकों से इनको लिटाने सुलाने बिठाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। फिर एक दिन हमारे मुंह से ब्रूनो निकल गया। ब्रूनो? ब्रूनो हमारे मरूम दादा जान का खानदानी कुत्ता था जो बुढ़ापे में ऐसे ही लोगों को घूरता रहता था। तरकीब काम कर गई और तब से अब तक जब भी हम इन्हें ब्रूनो कह के पुकारते हैं ये हमें सुनते हैं और हमारी बात मानते हैं। लचको? सो मच ही सेइंग, सो माई सेल्फ नॉट ट्रांसलेटिंग सो मच नोइंग। वैसे आप दोनों कौन हैं? हाँ हम इनके गाइड हैं और ये मिस सैंड्रा हैं, फ्रॉम स्विमिंग पूल इन इंग्लैंड। लचको नॉट स्विमिंग पूल, लिवरपूल इंग्लैंड। हाँ वही 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 वही। अरे ये जनरल विलियम है ना, उनकी पोती हैं। अरे जिन्होंने ये हवेली लीज पे दी थी वो उनकी पोती हैं ये। पांच हुए इनके। हाँ अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू डॉक्टर। इस नाचीज को जफर अली मिर्जा कहते हैं। ही इज नथिंग मैन एंड कॉल्ड जफर मिर्जा। मियां नथिंग मैन क्या होता है? देखिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी जानते हैं। अरे हाँ तो अंग्रेजी जानते हो तो फिर अंग्रेजी में बात कर लो। लोग हम कर लेंगे। हाँ तो करो। कर लेंगे हम। Well, I am superintendent doctor of this Assalamualaikum. Excuse me? Assalamualaikum? Asylum. Asylum बोल रहे हैं मियां, asylum. अच्छा अच्छा ओके। I am Dr. Mishra, senior doctor of Aslam. And I am the very, very most senior doctor of the asylum, Dr. Kudelal. Mia? Hmm?
डॉक्टर मियाँ, वो फर्स्ट फ्लोर की लास्ट स्टेज पेशेंट है ना, हबीबा जी, वो जिद कर रही हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया जाए। क्या हुआ, तुम आजकल मिलने नहीं आ रहे हो? सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना, आगरा से दो पागल फरार हुए हैं। भाइयों और बहनों, ध्यान से देखें इस तस्वीर को, जिस किसी को इसके बारे में पता चले वो पागल खाने में सूचना दे। सुनो सुनो सुनो, यार चंदू, अब हम आगरा वापस नहीं लौटेंगे। तो कहाँ जाएंगे नंदू? मेंटल असाइलम। नंदू, ये पागल खाने के डॉक्टर रोज डॉक्टर बनेंगे तो हम लोग कब डॉक्टर बनेंगे? हाँ यार, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो पागल बनना बंद करना पड़ेगा। हाँ नंदू, हाँ। आज से हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बन के रहते। हाँ। मैं सब सामान भी लाया हूँ। आपका नाम शांति और सकीना है ना? हाँ, आप लोगों से तो पहले मिल चुके हैं ना? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दोनों हमारे थोड़े अलग तरह के पागल हैं। इनका सब कुछ ठीक है, बस एक ही दिक्कत है, ये दोनों अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। They're too crazy, thinking they are doctor. तुम लोगों को पागल की एक्टिंग करनी, डॉक्टर की क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि पागल बन बन के हम थक गए। ऐसे क्यों भौंकते? बोलता क्यों नहीं? टॉमी, 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 ब्रूनो, ब्रूनो नाम है। ब्रूनो, 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 साइलेंट ब्रूनो, साइलेंट। हाँ, हाँ, गुड बॉय ब्रूनो, गुड बॉय। ये सब अपने एक्टर हैं, इनके सामने इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? ज्यादा न फैलिए। सेंड्रा के सामने जितना करना था कर तो लिया, अब क्या है, ये बैठे जा गए। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। सुनो, ये किससे बात कर रही हैं? ये, अच्छा ये, इन्होंने अपने जहन में कुछ दोस्त बनाए हुए हैं जो इस दुनिया से नहीं है, जो मर चुके हैं। ये कहती हैं कि इन्हें अक्सर ऐसे लोग दिखाई देते हैं। लटको, What is doctor saying? He is saying, she is talking, ghost, dead people. हाँ हाँ, मैंने तो रोटी खा ली, आपके लिए भी भिजवाई थी, और वो नींबू का अचार भी भिजवाया था, खट्टा लगा होगा ना? अगली बार ना मैं आपके लिए मुरब्बे का अचार भिजवाऊंगी, ठीक है? ये तो अच्छी बात है। क्या क्या अच्छी बात है? कि आप भी दो हैं और हम भी दो हैं। मतलब? समझा देंगे, ये सब ईश्वर की कृपा है, ऐसी चीजें जल्दीबाजी में नहीं होती। ये हमारी बेगम है, खबरदार जो इनसे इश्क फरमाया तो। ये वाली, ये कुंवारी है,
लड्डू कुमारी है, हमारी बीवी है। रिजा, ये नीचा एक्टर कहाँ से पकड़ के लाया हो? एक्टर होते ही सब ऐसे हैं। क्या बोला? ये बोला कि इनसे दूर रहो, पेशेंट चेक करो। पेशेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने सैंड्रा और लटकन को बता दिया है कि ये दोनों पागल हैं, बस इन्हें डॉक्टर बनने की बीमारी है। क्या बे, क्यों बताए? पर अपनी बात तो पागल बनने की हुई थी ना। कौन सी बात बे? हम लोग यहाँ बाहर डिसाइड किया था कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे। हलवा समझ लिए हो क्या? हलवा समझ लिए हो? बाहर जाके डिसाइड कराए। अरे हमारी अपनी कुछ प्लानिंग है, तुम लोगों की वजह से डॉक्टर बढ़ रहे हैं, पागल कम पड़ रहे हैं। पागल, तुम लोगों को प्यार से समझा रहे तो समझ नहीं रहे हो ना? मैडम, 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 बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखो 500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, चाहे डॉक्टर बनी है चाहे पागल बनी है। फिर से पागल? पागल ही हम लोग, डॉक्टर है डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर है। देखो अगली बार तुमको सीनियर डॉक्टर बना देंगे, कार्डियोलॉजी बनोगे? कार्डियोलॉजी, शाबाश, वेरी गुड, अगले साल कार्डियोलॉजी बना देंगे। लाओ बेटा ये चाकू हमको दे दो, शाबाश, तुम्हारा टाइम हो गया, जाओ आराम करो। हम लोग कार्डियोलॉजी बनेंगे। आ जाइए, आ जाइए। दे दिया इंजेक्शन, दे दिया, दे दिया, दे दिया। माफ कीजिए, माफ कीजिए, कभी कभार इन दोनों को तगड़े झटके लगते हैं। सॉरी मिस, मिस सॉरी। लटको, एस्क देम व्हाई डू दे डू व्हेन पेशेंट गेट अ वायलेंट। मैडम पूछ रही हैं कि जब इनको झटका लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? हम भी दे देते हैं बिजली के झटके। दे गिव इलेक्ट्रिक शॉक। ओह माय गॉड, नो 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 नो, दैट्स इनह्यूमन, दिस इज अनएथिकल, वी शुड गिव हिम बेटर ट्रीटमेंट। लटको, टेल देम सॉरी डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, सॉरी डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, आई एम डोंट अंडरस्टैंडिंग माय सेल्फ। Oh God, Latko, you're good for nothing. Just tell them we should take all patients to Agra. Can you translate this one? So easy. What a sunny day! Madam कह रही हैं कि आपके जितने भी मरीज हैं, उनको आगरा ले जाना होगा। क्या? क्यों? They ask why? Because your patients is so serious. They need a better care. मैडम का कहना है कि आपके जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा पागल हैं, उनका सही इलाज आगरा में ही होगा। पागल तो पागल है, बहुत ज्यादा पागल क्या होता है? ए डॉक्टर, फालतू की बातें मत करो, समझे? जितना सीखा है उतना ही ठीक कर पाओगे ना, आगे का इलाज आगरा में होगा, समझे? सुना आपने, हम लोग आगरा जा रहे हैं। आपको ताजमहल पसंद था ना? अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी, क्या हुआ? अरे वो फिरंगन आ रहे हैं बिट्टू भैया के साथ में। क्या बिट्टू भैया के साथ? अरे अरे एक मिनट, तू तो बिट्टू के साथ, लेकिन तू गायब बना हुआ है। अरे वो सब छोड़ो, आ रहे हैं साथ में, आ जाएगी। पोजीशन ले लो, पोजीशन ले, पोजीशन लो। आ जा, आ जा बेटा। आराम से, आ जा, आ जा, आ।
अबे ये सब क्या नौटंकी चल रही यहाँ? किसी सीरियल की शूटिंग कर रहे हो क्या बे? तुम लोग कुछ बताओगे हमको? अरे बिट्टू जी, यही तो है सेंड्रा मैडम का 100 साल पुराना पागल खाना। 100 साल पुराना पागल खाना सेंड्रा मैडम का? हाँ। अबे अगर ये 100 साल पुराना पागल खाना है तो क्या हम 150 साल पुराने बिट्टू हैं क्या? डॉक्टर मेरे शिरा जी, यस यस, हमें लग रहा है कि मरीज की हालत बहुत खराब है, इन्हें जल्दी से अंदर ले जाइए। शांति नर्स, हेल्प मी प्लीज। अरे ये हम गॉडनेस। कहाँ से मिला आपको इतना सीरियस पागल? अरे हम लोग रास्ते से जा रहे थे, वहां पड़ा था, कह रहा था अपने आप को काऊ, बहुत सारा चारा खा रहा था, लोग उस पे हंस रहे थे। मिश्रा जी, तुमको तुम्हारे बाप की कसम है भाई जी, हमको सही सही बता दो, ये सब खेल क्या चल रहा है यार? ये हवेली रातों रात पागल खाना कैसे बन गए? Did you call doctors from Agra, Latko? Yes, I give miss call. Why? Not balance my mobile. हॉस्पिटल। मिश्रा जी अब कहां हो यार? सुबह से ढूंढ रहे हैं, दुकान बंद है। मिर्जा जी, मिर्जा भाईजान, आपको तो पता है कि आपकी चाय और मिश्रा जी के पान के बिना हमारा काम नहीं चलता है। रिश्तेदार कहां है आपके? रिश्तेदार? अरे आप अकेले फॉलोअप के लिए आ गए? फॉलोअप? नर्स, ये बीबीसी नाम का पेशेंट जो अकेले आ गया फॉलोअप के लिए, आप इनको अंदर ले जाइए और इनके फैमिली वालों से बोलिए कि अकेले ना भेजा करें। यस यस, डॉक्टर मिर्जा, यस प्लीज हेल्प मी। हाँ यस यस डॉक्टर। अरे डॉक्टर मिर्जा, इनकी डोज बढ़ा दीजिए जी। चलिए आपको चाय और पान खिला दें। चलिए चलिए चलिए। अरे इनको हुआ क्या है? अजीब सी बीमारी है, देखिए ये अब जिससे भी बात करते हैं इनको लगता है कि उसकी चाय और पान की दुकान है। चाय पान की दुकान? पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ गई अपने देश में यार, पूरी दुनिया ही में टेंशन मची हुई है। हेलन हबीबा, सही नहीं कर रहे हैं आप, हम बता रहे हैं सब चल क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम छाप देंगे, हम बता रहे हैं। मिर्जा भाईजान, ये गलत काम था तुम। साइमन गो बैक। साइमन नहीं, सेंड्रा, सेंड्रा गो बैक। वही वही वही, सेंड्रा गो बैक, गो बैक, गो बैक। गली गली में शोर है, मैडम संतरा चोर है। हाय बेगम, अगर आपका मकसद है मंशा सेंड्रा, आप 1 2 3 4 नहीं कहेंगे अत्याचार। सेंड्रा गो बैक, गो बैक, गो बैक। आपके धुआं भी नहीं निकाल सकते। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। पिया नहीं है, निकाला है। सैंड्रा गो बैक, गो बैक, गो बैक। सैंड्रा गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। फूश पीपल। अरे चली गई।
क्या क्या नहीं, हवेली खाली कराने के लिए एक साइन की जरूरत है भाई जी मिश्रा जी। और जो सबसे पहले साइन करेगा आधी हवेली उसकी। क्यों डार्लिंग? एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम इसका मतलब जो साइन करेगा ये आधी हवेली उसकी होगी। हीज क्वेश्चन, बोथ में से वन पर्सन साइनिंग पेपर, सो हैंड ओवर साइनिंग मैन हवेली। मतलब अगर दोनों साइन करेंगे तो आधी आधी हवेली दोनों की हो जाएगी। हाँ भाई कहे नहीं, आधी आधी हवेली दोनों की हो जाएगी। ज्यादा चकड़े ही ना किया करो हर बात पे, आधी तुम ले जाओ आधी भी ले जाए। अभी टू घास छीलेंगे बीच में। घास से याद आवा, आज सुबह खाना के बाद से तो हमने चारा ही नहीं खाया। तुम लोग बात करो, हम चारा खाने पहले भैया। इसका मतलब जो पहले साइन करेगा आधी हवेली उसकी होगी। रिपीट सेन लाइन। यस यू आर परफेक्टली राइट। या ऐसी बात है मिश्रा जी, तो हम साइन नहीं करेंगे, वरना हमारे साइन करने से वो मिर्जा भाईजान को निकाल देंगे। हमें पता है शांति जी, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि कल को मिर्जा साइन नहीं करेगा। मियां मिश्रा भाईजान पर इतना यकीन तो हम कर ही सकते हैं ना। बेगम अगर हमने यकीन किया और कल को मिश्रा जी ने दस्तखत कर दिए तो हम कहां जाएंगे। लेकिन मियां आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए ना। बात की तो उसे अगर नहीं भी पता है तो पता चल जाएगा और वो साइन कर देगा। तो हम साइन करेंगे, हम दस्तखत करेंगे। मिश्रा जी ये साइन करके हम सही कर रहे हैं ना। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है शांति जी, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हाँ लेकिन कल को वो हवेली हमें मिल जाएगी और मिर्जा भाईजान और सकीना यहाँ से चले जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा हमें। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उनको यहाँ रोक सके। नहीं शांति जी, अब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि सैंड्रा इस हवेली की असली मालकिन है और होगा वही जो सैंड्रा चाहेगी। करिश्मा, शांति, शांति, अरे ये हमारी बहुत पुरानी सहेली है, हमें शांति नहीं हमेशा शांति ही कहती है। बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब्जी खरीद रहे थे। अरे आई मीन यहाँ इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? लो फिर और सुन लो। अरे इस मोहल्ले में तो हम 15 साल से रह रहे हैं, शादी हुई है हमारी यहाँ पे। लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी शादी भी हो गई क्या हमारे मोहल्ले में? हाँ शादी, और हम तो अभी तक आजादी की जिंदगी जी रहे, ना पति का टंटा ना सास की टै टै। लेकिन बाजी आप शादी कर लीजिए, कहीं फिर लड़के ना मिले तो। ये सकीना है हमारी पड़ोसी है। लड़के ना मिले वो भी करिश्मा को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे उन्हें तो हम यूं 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 चुटकी में पटा ले। किसी भी लड़की को इशारा कर दे तो चाहे वो कुंवारा हो या शादीशुदा, यूं पट जाता है। दिखाए अल्लाह, अरे देखा बाजी, कुंवारे का तो पता नहीं लेकिन हमारे पति है ना जैसे शादीशुदा, वो चुटकियां तो छोड़ो, खुद जन्नत से हूर की परी भी आ जाए ना, बैंड बाजा बजाए डीजे बजाए तो भी नहीं पटने वाले। ऐसी बात है, एक बार बस एक बार हमारे आसपास पटक गए ना तो समझो पट गए। तुम जानती नहीं हो सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से शरीफ और अंदर से चालू। अभी देखा नहीं मार्केट में क्या हुआ था? क्यों शांति? हाँ सही कह रही हैं। सुना? अरे तुम नहीं, सकीना सही कह रही है। अरे हमारे पति ना एक दिन क्या एक महीना भी रह जाए ना तुम्हारे साथ तो भी नहीं पटेंगे। अरे वो हमसे नहीं पटे आज तक, तो इनसे क्या पटेंगे। बिल्कुल गाय है गाय। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ कॉल सेंटर में जॉब करने आई हूँ और मुझे किराए के मकान की तलाश है। तुम्हारे आस पड़ोस में कोई मकान है तो बताओ। तुम्हारे पतियों की नजर एक बार मुझ पे पड़ने की देरी है कि समझो गए। खुद पर इतना गुरूर जी, तो फिर ठीक है
हमारे घर में ऊपर वाला कमरा खाली है, आप आ जाइए। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया, दे दो हमें। ऐसे कैसे दे दें, अपने शोहर से तो हमको पूछना होगा ना। भाभी आपको भी पूछना पड़ेगा ना। पूछना पड़ेगा तो पूछ लो। लड़की पेंगे से सुनते ही मना नहीं करेंगे। इन मर्दों की आशिकी जानती हूँ मैं। पूछो। अब तो भाभी आप जरा फोन लगाइए मिश्रा भाई, पूछ लेते हैं। और हम भी मियाँ से अभी पूछ लेते हैं। हमा मियाँ आज पूरे दिन चाय की पत्ती उबाल उबाल के ऐसा लग रहा है कि हम ही उबल कर घट गए। अरे हमारा भी यही हाल है मिर्जा, कस्टमर पान चबाते हैं ऐसा लगता है जैसे हमको चबाए जा रहे हैं। ये आई कौन है? ले ओ, बीवी का फोन है, अब ये चबाएंगी। हमारी भी बेगम का ही फोन है। हेलो, हाँ बेगम, क्या हुआ? वो मियाँ हम पूछना चाहते थे कि हवेली का ऊपर वाला कमरा जो खाली है ना, वो हम एक लड़की को किराए पर देना चाह रहे थे। अरे हमारे एक मिलने वाले हैं, अब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की को कमरा किराए पे दिया था, अब वो खुद 10,000 square feet की हवेली में रह रहे हैं। लो फिर और सुन लो, देखा भगवान ने उनके किए हुए पुण्य का फल दिया है उनको। वैसे कौन सी हवेली है? अपनी वाली से बड़ी है क्या? अरे अपनी वाली से बहुत बड़ी है, 10,000 square feet समझती हो, लखनऊ की जिला कारागार जेल में है वो। हाय अल्लाह। हाँ, उसकी बेगम ने भी पहले हाय अल्लाह कहा था, अब अल्लाह को भूल गई है, बस हाय हाय कर रही है। अरे वो लड़की तो वैसे ही रही होगी, लेकिन ये तो बड़ी ही जवान खूबसूरत हसीन मेज़बीन। हसीन मेज़बीन हो या हूर की परी हो बेगम, देखिए हम ऐसे किसी भी अकेली लड़की को अपने घर पे किराए पे नहीं रख सकते। हमें कोई तो नाती रिश्तेदार होना चाहिए, पापा मम्मी भाई बहन उसका कुछ होना तो चाहिए ना। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। अरे हमा हमारे मियाँ ने तो फोन कट कर दिया, हमारे मिश्रा जी ने भी फोन काट दिया। अरे तुम दोनों ना गलत समझ रही हो, ये सब मर्दों के बहाने हैं, हम जानते हैं। वो जब तुम दोनों ने हमारी तारीफ में बोला ना, खूबसूरत हसीन जवान अकेली, ये सुनते ही फोन काट के मिलने के लिए उतावले होकर भागे आ रहे होंगे दोनों। हाँ बाजी आप गलत समझ रही हैं, हमारे मियाँ ने साफ इनकार कर दिया है। हाँ मिश्रा जी ने भी साफ मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी खूबसूरती की तारीफ सुनने के बाद भी? हमने पहले ही कहा था तुमसे, गाय है गाय, और गाय भी इधर उधर जाती है तो सींग मार देती है, वो बेचारे तो इतने सीधे हैं कि वो भी नहीं करते। खैर तुम परेशान मत हो, तुम हमारी पुरानी सहेली हो, हम कुछ करते हैं। तुम तब तक हमारे साथ चलो ना घर, चाय वाय पीते हैं, बातें बातें करते हैं, फिर हम कुछ चक्कर चलाते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं आसपास में। ठीक है चलो चलो। अरे भैया तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ये ला रखवाओ जल्दी। क्या हुआ मिर्जा, बड़े गुस्से में फोन काट दिया, बीवी ने डांट दिया क्या? बीवी ने नहीं डांटा, हमने डांट दिया उनको। वाह भल्लाल देव वाह, लेकिन इतनी हिम्मत आपने जुटाई कैसे? मत चुप रहिए, मारेंगे अभी। बेगम का फोन था, कह रही थी कि हमारा जो ऊपर वाला कमरा है ना, वो किसी हसीन मेज़बीन लड़की को किराए पे दे दे, हमने तो साफ मना कर दिया। अरे मिर्जा शांति जी भी यही कह रही थी, कहती कोई लड़की है जवान खूबसूरत, उसको कमरा किराए पे दे दो। तो दे देते। अरे कैसे दे देते, इतने लौंडो को कौन संभालेगा? लौंडो को? लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि अकेली लड़की को रहना है। लड़की तो अकेली रहेगी मियाँ, लेकिन उसके बाद आप जैसे लौंडे लपाड़े जो हमारे घर के दिन भर चक्कर काटते रहेंगे, उसका क्या होगा? अरे ऐसी बैचलर लड़कियों के 10 tension होती है, हमारे पास का टेंशन कम है। और नहीं तो क्या, कोई कम से कम घर जाकर सुकून से सो तो सकते हैं, एक बार वो लड़की आ गई तो बस हमें वहाँ पे भी काम पे लगा दिया जाएगा, बताइए। अरे सही किया यार मिर्जा, कौन ही फालतू की टेंशन में पड़ेगा। वैसे थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू मिर्जा जी। ना ना ना, थैंक यू की क्या जरूरत, हम बस ये आपका सामान ही तो अंदर लेके आए हैं। अरे सामान के लिए नहीं, वो
आप दोनों ने हमें गिरने से बचाया ना, उसके लिए थैंक यू। कैसी बात कर रही है करिश्मा जी, बचपन से अब तक जब भी कैच आया है हमने पकड़ा है, कभी नहीं ड्रॉप किया, नेवर। ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा भी बनता है, हम तो विकेट कीपर थे। क्या है कि हम तो दूसरों के भी कैच पकड़ लेते थे। हम ही ने सिखाया है इनको। हम सीख गए। वैसे आप दोनों ने हमारे लिए इतना किया है तो आज से हम फ्रेंड्स। अरे अरे मेरे मिश्रा मिर्जा, मेरे धर्मवीर, मेरे अमर अकबर एंथनी, कहाँ रह गए रहो बे? अमा मियां, ये अमर अकबर तो समझ में आया, ये एंथनी कौन है? नहीं समझ में आया एंथनी? नहीं, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा मन इस तरह का। अबे एंथनी हमको समझ लियो, कभी कभी तो अपना समझा करो। और सुनो, 100 रुपया खर्चा करके 100% अंदर की खबर निकलवा के ला रहे हैं, जो कल हम लोग बात नहीं कर रहे थे कि मोहल्ले में कोई हसीन लड़की नहीं, बहुत खूबसूरत लड़की आई है मोहल्ले। क्या मतलब? क्या मतलब? अबे पूरे फुल टोपा हो गया, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको हवेली में बैठा ले हो। मिश्रा जी, मेरे भाई चाहे 4 पान का एडवांस पैसा ले लो, अब तुम चाहे 4 चाय का एडवांस पैसा ले लो, लेकिन उससे भाई जी बिट्टू का टांका डोर जुड़वाओ। बहुत सही बिट्टू भैया, 4 पान और 4 चाय के पैसे में सोच रहे हो हम उससे तुम्हारा टांका भिड़वा दें? मतलब इस काम में भी मोल तोल, बाप को पड़े हो बिल्कुल अपने। चलो 40 चाय का और 40 पान का पैसा दिया, अब बीच में ना बोलना, लेकिन देखो भैया जो लगा दो, बस बिट्टू का काम बनवा दो। हाँ तो ठीक है मियाँ, पहले आप 40 चाय और 40 पान के पैसे दे दीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं पैसे की, बिट्टू को कभी पैसे की दिक्कतें नहीं रही, तुरंत लीजिए पैसा। लेकिन एक चीज याद रखना, इलाहाबाद वाले चाचा कह गए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना दोस्त के सहयोग के कोई लड़की शादी को तैयार नहीं होती। बस हम खुश खबरी सुनने का इंतजार करेंगे। चलते हैं। हाँ भाई, सुहाग फिल्म के अमजद खान, मऊ जैसा भाभी ठीक है? चलो मिया, चलिए करिश्मा जी के आने से पहले का तो उधार वसूल हुआ। हाँ बहुत सही मिर्जा, अगर आज हमें तो लग रहा है इससे उधार के साथ साथ एडवांस भी मांगते ना, वो भी दे देता। अच्छा लेकिन मिया वाह बताइए, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना इनके लिए। पागल हो गए हो क्या लड्डू, कोशिश करनी पड़ेगी? अरे वो तुम्हारे साथ साथ हमको भी चप्पलों से मारेगी। अगर बिट्टू की सही समय पर शादी हो गई होती ना, तो आज उसकी औलादें उससे शिकर रहे होते, समझे? ले वो कोशिश करने। शांति जी, आज टेबल पर हम अकेले, बच्चे और बाबूजी कहाँ हैं? बच्चे तो पहले ही खाना खा के सो गए, बाबूजी अभी अंत्येष्टि से लौटे हैं। को ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने से आपकी सहेली आ रही है? लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी तुमको ऐसा लग नहीं रहा है, हमने उसको बुलाया है खाना खाने के लिए। अरे तो यहाँ क्यों आ रही है, अपना बनाए अपना खाए। लो ये क्या बात हुई, अरे आज ही तो वो आई है, वो क्या कहते हैं, अरे ठीक से उसको सेटल तो हो जाने दो। सॉरी बाबूजी, लेट हो गए जरा। लेट कोई नहीं होता बिटिया, सबका समय ऊपर वाले ने तय करके भेजा है, जब जिसका समय आता है उसको उस वक्त जाना ही पड़ता है, तो जब वो चले जाता है उसके बाद उसके नाम के आगे लेट लगता है।
बाबूजी, आप कभी अच्छा नहीं बोल सकते। आप कहीं से आते हैं तो अंत्येष्टि से आते हैं, अब यहाँ बैठे सबका समय गिना रहे हैं। लो ना। आज बहुत थकावट हो गई है। ये क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? बहू, चूहा मार दवा ये क्या कर रही? क्यों बाबूजी, सब्जी में नमक मिर्चा ठीक नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो मिश्रा जी? अरे सब्जी में नमक मिर्च कम होगा तो क्या चूहे मार दवा डाल देंगे? अरे भाई, बाबूजी का कोई भरोसा नहीं है ना, जब भी ये बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई नया नुस्खा लेकर आते हैं। एक कंटाप देंगे खींचिए। हरी बोल। हरी 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 हरी। चूहे मार दवाई हम इसलिए मांग रहे थे ताकि घर के आसपास उसको छिड़क सकें। चूहे बहुत हो गए घर में, अभी अभी एक चूहा हमारे पैर को चूम के गया। कसम से यार, ऐसे आदमी नहीं देखे हमने अपनी जिंदगी में। मतलब यार, सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब यूज कर डाले पर इनके दिलों पर कोई असर ही नहीं हुआ। लो फिर और सुन लो, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, हार मान लो तुम। अरे ये तुम्हारे जितने भी अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कुछ काम नहीं आएंगे हमारे पतियों के सामने, सब फेल होने वाले हैं। हाँ, और हमें तो पहले से ही पता था वो दोनों आप पर नहीं फिसलने वाले। इस बार तुम्हारी खूबसूरती का जादू भी फेल होने वाला है। बस ये क्या है ना कि अभी ये नेट प्रैक्टिस थी, शेंटी और शकीना, फिलहाल फाइनल मैच अभी बाकी है। शकीना नहीं, सकीना, व्हाटएवर। विधिवत अंतिम संस्कार कैसे करें? अरे क्या बात है बिटिया। अरे इसकी तो हमें बहुत जरूरत थी। इसीलिए तो लाए हैं बाबूजी। हरी बोल हरी बोल। तुमने पढ़ा बिटिया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ी है, आज ही तो लेकर आए हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मिश्रा जी के हाथों हमारे रूम में भिजवा दीजिए। हम दिन भर में उसको पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है बाबूजी, लेकिन मिश्रा जी के हाथों भिजवाना मत भूलिएगा। वो क्या है ना कि हम भी अपने नॉलेज के लिए थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। अरे भाई, नॉलेज तो हर चीज की जरूरी होती है। हम उसको पूरी पढ़ लेते हैं, रात में हम उसे बैल के हाथों भिजवा देंगे। ठीक है बाबूजी, हम चलते हैं। अरे झुक झुक जी बेटा। खुदा से दुआ कबूल करवाने के तरीके। जी अम्मी जान, इसको पढ़ने के बाद दुआ पढ़िए, मजा ले दुआ कबूल ना हो। सच में? जी सच में। वैसे हमने भी अभी तक नहीं पढ़ी है, पहले आप पढ़ लें, हम रात में पढ़ लेंगे। पहले इसे तुम पढ़ लो, हम बाद में पढ़ लेंगे बेटा। नहीं नहीं अम्मी जान, पहले आप पढ़ लें, आप बड़े हैं, फिर रात में मिर्जा जी के हाथ हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम इसे दिन भर में पढ़ लेंगे। पर एक बात बताओ, तुम तो हिंदू हो ना, तुम इसे क्यों पढ़ोगी? अरे क्या फर्क पड़ता अम्मी जान, दुआ तो कोई भी करे, जाती तो ऊपर वाले के पास ही है ना। ये बात तो एकदम दुरुस्त है। अच्छा ठीक है, हम इसे पढ़ लेंगे और फिर किसी के हाथों भिजवा देंगे। किसी के हाथ नहीं अम्मी जान, मिर्जा जी के हाथ ही भिजवाइएगा। वो क्या है ना कि बच्चे बच्चे फाड़ वाड़ देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, हम जफर के हाथों से ही भिजवा देंगे। ठीक है जी अम्मी जान। हाँ। तो हम चले? हाँ ठीक है, चलते हैं। जीती रहिए। रात बड़ी नशीली हो रही है शेंटी, और उससे भी नशीले हम हो रहे हैं सकीना। आज तो तुम दोनों के पतियों पर अपने हुस्न का जादू चला कर रहेंगे। लो फिर और सुन लो, अरे इतनी हार के बाद भी अभी तक तुम्हारा हौसला बना हुआ है? अरे वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल तुम दोनों उन्हें ऊपर आने से रोकना मत। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम क्यों रोकेंगे,
लेकिन हम एक बात कहें करिश्मा, तुम हार मान लो। अरे हार तो हम तब मानेंगे शेंटी, जब हमें लगेगा कि हमारे पास कोई अस्त्र ही नहीं बचा चलाने को। फिलहाल तो हम अपने हुस्न का अस्त्र चलाने जा रहे हैं। चलाइए चलाइए, ये भी चलाकर आप देख ही लीजिए। हाँ हाँ सही है, तुम भी अपनी इच्छा पूरी करके देख ही लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम रख रहे हैं, बाय। क्या ये किताब देने ऊपर के कमरे में जाएं? करिश्मा जी को हम क्यों जाएं बाबूजी, आप ही दे आइए। ठीक है भाई, हम ही चले जाते हैं। ये क्या बात हुई मिश्रा जी, अरे अभी सुमार में तुम बाबूजी से काम करवाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो फिर आप ही दे आइए, हम नहीं जाएंगे देने। लो फिर और सुन लो बाबूजी, मतलब इनको कोई काम वाम नहीं करना है, बस ऐसे ही पेट फुला के घर पे बैठे रहना है और उसमें खाना ठूसना है, इसीलिए इनका टुंबा बाहर निकल आया है। टुंबा? कभी देखा है गौर से अपने पेट को? साथ छोड़ो, अब देखो इतना बड़ा बाहर निकल आया, इसीलिए न चलते हो न फिरते हो। कितनी बार तुमसे कह चुके हैं बाहर जाओ घूमो फिरो टहलो, जरा जाओ अब छत पे जाके टहल के आओ। हाँ नहीं तो अब इधर उधर मत देखो, चुपचाप किताब पकड़ो, सीधी पकड़ो, उसको देख के आओ चुपचाप। किताब पढ़ने का क्रियाकर्म उसको बेचारी को रात को ही निपटाना है जी। किताब पढ़ने का कार्यक्रम उसको रात में ही निपटाना है। इस तरह की किताब छापता कौन है? मिल जाए तो सबसे पहले उसी का अंतिम संस्कार करें। करिश्मा जी, अरे आप कब आए? जफ्फू? जफ्फू जी, अब से हम प्यार से आपको जफ्फू ही बुलाया करेंगे। क्यों, आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, पसंद तो बहुत आया है। अगर आप इतने प्यार से जफ्फू बोलेंगी तो हम तो मोमबत्ती की तरह पिघल ही जाएंगे। पिघलना तो वैसे आपको अब भी है। हमारे साथ डांस करेंगे? देखिए पिघलना तो हम चाहते हैं, लेकिन हमें डांस नहीं आता। उसमें क्या? से लेकिन देखिए, वैसे दिन में तो चांद निकलता नहीं है, लेकिन अगर हम इस चांद को कल दिन में घुमाने ले जाएं तो आप चलेंगे हमारे साथ? जी आप बोले और हम ना कहें, ऐसा हो सकता है क्या जफ्फू? तो ठीक है फिर कल मिलते हैं, शाम को चलते हैं लव गार्डन। ठीक है जफ्फू। एक बार और जफ्फू। जफ्फू आदाब। सकीना, कल कितना मजा आया था ना शादी में? हाँ भाभी, शादी कितनी धूमधाम से की थी ना, और वो तो बहुत ही अच्छा था। वो क्या, दूल्हा? नहीं नहीं, वो पागल कहाँ रहते हैं? पागल खाने में? हाँ, खाना बड़ा जायकेदार था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे करिश्मा बाजी, अगर कल रात आप हमारे साथ शादी में चलती ना तो आपको बड़ा मजा आता। पर
पर वो मजा नहीं आता जो हमें कल रात में आया। लेकिन आप तो अकेली थी ना, भला अकेले में क्या मजा आएगा, तन्हाई कांटे को तोड़ती है। अब अकेले होते तब ना, तुम्हारे मिर्जा मियां मिले थे कल रात हमें अकेले में। क्या मिर्जा भाईजान, वो भी रात को अकेले में? तुम भी ज्यादा चौंको मत, तुम्हारे मिश्रा जी भी मिले थे कल रात अकेले में। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हार गए। लो फिर और सुन लो, हमने तो पहले ही कहा था तुम हार जाओगी। जी नहीं, हम नहीं, तुम दोनों हार गई। क्या क्या? जी, हमने अपनी नजरों की मास्टर की से उन दोनों की शराफत की तिजोरी खोली और दिल चुरा लिए। हो ही नहीं सकता ना, नहीं सकता। अच्छा तो बताओ आज तुम्हारे पति कहाँ जा रहे हैं? अरे इसमें पूछना क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, चाय की दुकान पर जाएंगे और कहाँ? और हमारे मिश्रा जी अपनी पान की दुकान तक। जी नहीं, आपके मिश्रा जी आज हमें मूवी दिखाने ले जाने वाले हैं। 3 से 6 का शो है, कोने वाली सीट में बैठने वाले। बताओ, ऐसे हमारे मियाँ ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमारे साथ करेंगे ही नहीं। तुम भी ज्यादा खुश मत हो शकीना, तुम्हारे मिर्जा जी आज हमें शाम को लव गार्डन घुमाने ले जाने वाले हैं। और क्या? अब समझदार को इशारा ही काफी है ना। नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जाकर पूछो अपने अपने पतियों से कहाँ जा रहे हैं। कॉलेज के लड़कों जैसे बहाने ना बनाए ना, तो हमारा नाम बदल देना तुम। क्या हुआ शांति जी, क्या सूंघ रही हैं? मिया वो आ रही है। वो कौन आ रही है? नहीं, वो दोस्त को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? मित्र। इत्र की वो आ रही है। हाँ महक। हाँ मिया, महक आ रही है इत्र की। क्या बात है, आज से पहले तो आप इत्र वित्र नहीं लगाते थे मिया, अब रोज इत्र। हाँ वो क्या है ना बेगम, कि दिन भर उबलती चाय की गर्मी से इतना पसीना आता है कि ग्राहकों को जब हम चाय देने जाते हैं ना, तो उनको लगता है चाय में से बदबू आ रही है, इसलिए बस ग्राहकों को खींचने के लिए लगाया है इत्र। कहीं नजर तो नहीं है इधर उधर? कैसी बातें कर रही हैं शांति जी, जब से शादी हुई तब से घोड़े हो गए हैं, सिर्फ एक ही दिशा में देखते हैं अपनी दुकान की तरफ। और बेगम शाम को भी हम एक ही दिशा में देखते हुए आते हैं, टकबक 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 टकबक। तो अब जाएं टपक टपक। हाँ जाओ, दुकान ही जा रहे हो ना? हाँ दुकान ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। ठीक जाएं।